चौधरी परवेज इलाही आईनी तौर पर पंजाब के वजीर आला नहीं रहे। उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई एक रस्मी कार्रवाई है जिसे वलीउर रहमान नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उस पर अमल दरामद होगा। सदर अपने माथे पर बैठी मक्खी नहीं हटा सकते, गवर्नर को कैसे हटाएंगे? उन्होंने अगर हंगामा राय की तो पूरा बंदोबस्त है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास तलब कर लिया। अहम रहनुमा शामिल होंगे। शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में मुशावरत होगी। पंजाब के सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और तमाम आईनी ऑप्शन ज़ेर ग़ौर आएंगे। आसिफ जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के इजलास के हवाले से मुशावरत। दोनों रहनुमाओं की आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत। गवर्नर का रोलिंग को मुस्तरद करना गैर आइनी और गैर कानूनी। कल पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी, पहले अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई होगी। गवर्नर के इकदाम के खिलाफ अदालत जाने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस की दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगु। तहरीक इंसाफ का आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर मुजाहरे का ऐलान। शाम 5 बजे एहतजाजी जलसा शेड्यूल। इमरान खान वीडियो लिंक पर मुजाहरीन से खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान के इकदाम को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। एतमाद का वोट लेने के आईनी हुक्म पर अमल की बजाय गवर्नर हाउस के गहराव का ऐलान आईन से रुकरदानी। करप्ट सियासतदान रियासत मदीना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, कोई शर्म है ना हया। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। पीडीएम की लीडरशिप आवाम दुश्मन। आवाम को हुकूक से महरूम रखने के लिए माफिया का साथ देना मुल्की मफाद में नहीं। कौम ऐसे किरदारों और सहूलतकारों को मुआफ नहीं करेगी। आइन का एहतराम करें और आवाम को हुकूमत चुनने का हक दिया जाए। फवाद चौधरी। वजीर आला परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास आज होगा। सूबाई वुजरा मुशीरान चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। अरकान असम्बली चेयरमैन इमरान खान के फैसलों की तौसीक करेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर भी एतमाद का इजहार किया जाएगा। मुआशी बहरान के साथ सियासी बहरान भी शदीद हो गया। असम्बलियां छोड़ना हक है। स्टॉक मार्केट में मंदी, डॉलर महंगा, अद्वियात के पैसे नहीं, कैसे चलेगा पाकिस्तान? बिलावल गैर मुल्की ख्वाहिशों पर अमल दरामद का इंदिया दे रहे हैं शेख रशीद।